दोस्तों ये Realme P1 5G ना 15,000 रुपये की प्राइस रेंज के अंदर में आ जाता है। मैंने इस फ़ोन का ओवरऑल रिव्यू और जो है फ्री फायर का गेमिंग रिव्यू चैनल के ऊपर अपलोड कर दिया है। इस वीडियो में पबजी का रिव्यू देखेंगे। 2:24 हो रहे हैं यहाँ पे और जो है 78% बैटरी है। आपको अलग से भी कुछ जानना हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट जरूर करना। सारे सब्सक्राइबर्स के कमेंट का रिप्लाई हम जरूर करते हैं। तो चलिए देखते हैं पबजी कैसा चलता है इसके अंदर। पबजी का ओपनिंग टाइम मैं आपको बता दूं, अभी आप वीडियो में जो देख रहे हो ना इसके अंदर 10-15 सेकेंड और ऐड कर लेना। बीच में मेरी वीडियो जो है पॉज हो गई थी, तो इसका ओपनिंग टाइम काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर जो बड़ी बड़ी बातें होती कि ये वाला प्रोसेसर है 7050 N22 स्कोर 6 लाख का है, तो उतनी टेक्निकल टर्म्स में नहीं जाएंगे। यहाँ पे जो है प्रैक्टिकल में देखेंगे कैसा चल रहा है। यहाँ पे जो सेटिंग्स है ग्राफिक्स की वो आप देख सकते हो, HDR अल्ट्रा तक का ऑप्शन दे रखा है, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा स्मूथ जो है एक्सट्रीम के ऊपर खेलो, वहाँ पे एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा आपको। बाकी मैं बता दूँ इसका जो N22 स्कोर है वो 6 लाख के करीब में आता है, उस हिसाब से गेम प्ले है कि नहीं आप यहाँ पर देखो। मैं जो है ना यहाँ पर ये जो इरेंगल का मैच है और यहाँ पे एकदम भीड़ भाड़ वाले एरिया में नीचे जो है लैंड करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे इसने फ्रेम्स काफ़ी अच्छे से मेंटेन करे और काफ़ी स्मूथ लैंडिंग हो गई है यहाँ पे। फ्री फायर के अंदर जो है अलग रिव्यू था मेरा, उसको भी अलग से ज़रूर से देखना। पबजी ये अच्छा खासा चला पा रहा है दोस्तों, तो पबजी के लिए अच्छी खबर है इसके अंदर। बाकी मैं आपको बताता हूँ, जैसे जैसे फ़ोन का जो स्टोरेज बढ़ता जाता है ना तो फ़ोन स्लो होते जाता है। अभी ये फ़ोन एकदम नया नया था मेरे पास, तो शुरुआत में काफ़ी अच्छा चल रहा था। बाद में मैंने इसका जो स्टोरेज जो है फुल कर दिया था, उसके बाद देखा मैंने तो हाँ इसके अंदर जो है परफॉर्मेंस में जो है ड्रॉप देखने को मिला है। और जो वीडियो के लास्ट में आपको जो है बैटरी परसेंटेज वगैरह देखने को मिलेगा, लेकिन मैं सारी चीज़ें आपको पहले ही बता दे रहा हूँ क्योंकि वॉइस ओवर कर रहा हूँ। जो है ना ये 4-5 घंटे अगर आप लगातार गेमिंग करोगे तो ये चलेगा। 1 घंटे के अंदर ना करीब ये 12-15% तक ये ड्रॉप कर देता है बैटरी को। लगातार आप खेलने जाओगे तो 5-6 घंटे तक आप जो है गेमिंग कर पाओगे 100 से 0 तक की। पबजी की जो यहाँ पे गेमिंग है ना एकदम स्मूथ नहीं कहूँगा मैं, लेकिन खेलने लायक है, कोई दिक्कत हुई नहीं है मेरे को। मैंने जायरोस्कोप भी ट्राई कर रखा है, जायरोस्कोप में मैं एक चीज़ बताऊँगा, डीले देखने को नहीं मिला मेरे को बिल्कुल भी। तो जायरोस्कोप वाले जो गेमर है ना उनके लिए फ़ोन हो सकता है बढ़िया। बाकी मैं आपको बता दूँ यहाँ पर आप जो है, मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ, आपको सामने जो है गेम प्ले देखने को मिल रहा होगा, तो यहाँ पर भी पता चल रहा होगा कि कैसी परफॉर्मेंस है इसकी। जैसे ही एनिमीज़ वगैरह सामने आते हैं ना तो ये लैग नहीं करता है। फ्री फायर के अंदर कुछ अलग माहौल था, तो उसका रिव्यू आप ज़रूर से देखना। पबजी का रिव्यू तो अच्छा खासा जा रहा है इसका, लेकिन उतना ज़्यादा मैं स्मूथ इसलिए नहीं कहूँगा ना, जिस तरीके की हाइप बनाते हैं ये मार्केट में रियलमी वाले या कोई भी फ़ोन वाले, जैसे लगता है कि कितनी बेटर गेमिंग निकल के आएगी, लेकिन वैसा नहीं है। और भी फ़ोन जो है ना ऐसी ही गेमिंग दे देते हैं, उनमें भी कोई कमियाँ नहीं है। तो मैं आपको बताऊंगा लास्ट में, अगर आपको जानना हो कि कौन सा गेमिंग फ़ोन आपको लेना चाहिए 15,000 रुपये की प्राइस रेंज में, तो मैं आपको बता दूंगा। आप कमेंट जरूर करना चैनल को सब्सक्राइब करके। आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा TDM का गेम प्लान है ये ओवर हो चुका है। मैंने आपको बता दिया बैटरी परसेंटेज कितना ये ड्रॉप करता है, पूरी वीडियो आपको सुननी होगी दोस्तों, मैंने बैटरी परसेंटेज के बारे में बता दिया है। अभी आप देख सकते हो 2:33 हो रहे हैं, 10 मिनट की लगभग गेमिंग हुई है ऑलमोस्ट, और यहाँ पर बैटरी परसेंटेज आप देखो 75% है, तो वही 3-4% का ड्रॉप आता है। मैंने जो आपको ओवरऑल ड्रॉप भी बताया, हीट बिल्कुल नहीं हो रहा है, हीट के मामले में बढ़िया फ़ोन है। तो पबजी के बारे में तो यही कंक्लूजन दूंगा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आप नहीं खेल सकते। अगर आपको सिर्फ पबजी खेलना है, आपको ऐसा फ़ोन चाहिए जिसमें डिस्प्ले बढ़िया हो, कैमरा बढ़िया हो और आप गेमिंग कर पाओ फ्री टाइम में पबजी की, तो उसके लिए आप ये फ़ोन ले लेना, मेरी तरफ से ओके है। लेकिन आपको सिर्फ गेमिंग करना है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह करना है, तो उसके लिए फ़ोन नहीं है। आपको अलग से कुछ भी जानना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कॉमेंट जरूर करना। सारे सब्सक्राइबर्स के कॉमेंट का रिप्लाई हम जरूर करते हैं।